गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। उसके टाइप्स देख लिए थे, टाइप्स के बाद उसके कुछ एग्जांपल्स हमने देख लिए थे। ये सारी चीज़ें बच्चों हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके थे। अब हम आज सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में और चीज़ें देखेंगे। इट मीन्स जो उसके टाइप्स थे, तो उसका वन टाइप हमने देख लिया था। आज हम सेकंड और थर्ड टाइप की बात करेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है ना। चलिए, प्रीवियस में जो हमने डिस्कस किया था उस पर हम एक नज़र देख लेते हैं बच्चों, कि सॉफ्टवेयर के तीन टाइप्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नाउ इस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसमें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? अब टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के तीन टाइप होते हैं, सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर। इसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? ईजिली समझ में आया? ठीक है, चलिए अब हम आज देख रहे हैं सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, जो कि हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का सेकंड पार्ट है, जिसका नाम है सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर में हम देख रहे हैं सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, कि सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर होता क्या है। देखिए, पहले इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, सिस्टम डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, डिज़ाइनिंग, टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और प्रोग्राम। फुल स्टॉप। इट कुड इंक्लूड द इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ कस्टमाइज्ड सिस्टम, द क्रिएशन ऑफ डेटाबेस सिस्टम और द एक्यूटेशंस ऑफ थर्ड पार्टी डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। इसी को हम हिंदी में देखते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, सिस्टम डेवलपमेंट एक नया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या प्रोग्राम को परिभाषित करने, डिज़ाइन करने, परीक्षण करने और लागू करने की प्रक्रिया है। इसमें कस्टमाइज सिस्टम का आंतरिक विकास, डेटाबेस सिस्टम का निर्माण और थर्ड पार्टी विकसित सॉफ्टवेयर का अधिग्रहण शामिल हो सकता है। सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर क्या है, तो मैं बात बताऊं बच्चों, सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है जो सिस्टम को डिज़ाइन करने, उसे टेस्ट करने, उसके इम्प्लीमेंट करने और न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम को डेवलप करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ इट कुड द इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ कस्टमाइज सिस्टम, जो इंटरनली कोई डेटाबेस डेवलप कर रहे हैं या फिर सिस्टम को कुछ कस्टमाइज़ कर रहे हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ भी हमें कौन देता है, सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर हमें देता है बच्चों। क्लियर हुआ? जिसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। चलिए अब हम नेक्स्ट देखें तो सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर की एक लाइफ साइकिल है, जिसे हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के नाम से जानते हैं बच्चों। इसमें इनिशियल आइडिया रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी स्टडी होती है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन, सिस्टम डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटिंग एंड रिव्यू। ये सारे पॉइंट्स बच्चों जो मैंने आपको सिर्फ नाम से बताए हैं, ये सारे पार्ट्स आपको यूनिट नंबर जो आपकी सेकंड हुए उसमें पढ़ना है। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाऊँ स्टूडेंट, कि आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है। सपोज़ कि आपके घर पे किसी की ड्रेस की शॉप है। क्लियर हुआ? अभी तक जो भी काम होता था ड्रेस की शॉप में, वो सब मैनुअल होता था। तो आप क्या करते थे बच्चों, उसके लिए पूरी एक लिस्ट, पूरी एक बुक या बोल सकते एक बही खाता, जिसे हम अकाउंट के नाम से जानते हैं, वो बना के रखते थे। कितना माल आया, कितना गया, कितना सेल हुआ, किससे पैसे लेना है, किसको डिस्काउंट देना है, ये सारी चीज़ें हम मैनुअली वर्क करते थे। बट अब इन सब चीज़ों को हमको कंप्यूटराइज करना है, इट मीन्स कंप्यूटर में डिज़ाइन करना है। तो उसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना? तो उसको करने के लिए हम क्या करें, एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दें। क्या करें बच्चों, एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दें आप, जो कि वो कौन करेगा, तो वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो डेवलप करता है। तो उसमें ये सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। पहले तो हमें क्या हुआ बच्चों, एक आइडिया आया,
फिर हमने उसमें अपनी स्टडीज़ लगाई कि हम क्या क्या कर सकते, उसकी हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि जितना काम मैनुअल होता था कंप्यूटर में हमें इतना रिकॉर्ड नहीं रखना पड़ेगा। फिर उसके लिए हमने एनालिसिस किया कि हमें और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्यों, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर को तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो एक बार में ही हम सारी चीज़ें बना लें। फिर स्पेसिफिकेशन बनाया कि क्या क्या चीज़ स्पेसिफाइड होना चाहिए, दिवाली सीज़न में कितने परसेंट का डिस्काउंट देंगे, है ना, दशहरे सीज़न में कितने परसेंट का डिस्काउंट देंगे। सिस्टम डिज़ाइन, फिर हमारा सिस्टम का डिज़ाइनिंग ऐसा होना चाहिए कि हर व्यक्ति उसे परचेस करे, ठीक है। फिर डेवलपमेंट, उसमें क्या क्या नई नई चीज़ें हम डेवलप कर सकते हैं बच्चों। फिर उसमें क्या आता है, टेस्टिंग, अगर सॉफ्टवेयर बन गया तो उसे टेस्ट करना कि वो प्रॉपर वे में चल के रहा है कि भी नहीं। फिर इम्प्लीमेंटेशन, सपोज टेस्टिंग के टाइम कुछ दिक्कत आए तो हम कायम में लगाएंगे, इम्प्लीमेंट में करेंगे, फिर हमको उसे क्या करना है, मेंटेन करना है, क्लियर हुआ, उसको मेंटेन करना कि कोई प्रॉब्लम आए, इसको ऐसा नहीं यहाँ, इसको यहाँ नहीं यहाँ, दिवाली टाइमिंग में हम 10% डिस्काउंट देंगे और दशहरे टाइमिंग में 5% ही देंगे, क्लियर, और उसके बाद रिव्यू, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक के बाद एक डिज़ाइन की जाती है, जिसे हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, जिसमें कुछ एग्जांपल्स है ना। तो एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट के, फर्स्ट है मशीन लैंग्वेज और दूसरा है बच्चों असेंबली लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज क्या है, तो ये आपको नाम से ही क्लियर है कि कंप्यूटर क्या करता है, मशीन लैंग्वेज समझता है, कौन सी, 0101। तो हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर भी क्या होता है, एक मशीन लैंग्वेज आती है और दूसरी होती है असेंबली। अब असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, वो कैसे वर्क करती है, ये हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, क्यों, क्योंकि मैं अभी आपको कितना भी समझा दूँ अभी आपको क्लियर नहीं होगा। चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट देखते हैं सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर। पहले हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा, अब हम बात करेंगे सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर की। अब सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर की पहले डेफिनेशंस को हम देख लेते हैं। व्हाट इज सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर, इट मींस सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर होता क्या है, पहले हम इसे इंग्लिश में देख, फॉर द इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। चलिए सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट सपोर्ट्स और फैसिलिटी द स्मूथ एंड इफिशियंट एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम एंड ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। देयर आर 4 मेजर कैटेगरी ऑफ सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स सॉफ्टवेयर। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें, फॉर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के विभिन्न कार्यक्रमों और परिचालनों के सुचारू और कुशल क्रियान्वयन का समर्थन करता है, यह सुविधा प्रदान करता है। सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर की 4 प्रमुख श्रेणियां हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स सॉफ्टवेयर। सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर क्या होता है, अब हम वो डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपको फैसिलिटी देता है किसी भी प्रोग्राम या किसी भी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने में इफ़िशियंट और स्मूथ, मतलब फास्ट स्पीड भी दे और जल्दी से आपका काम भी करे, उसे सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके 4 मेजर कैटेगरीज होती हैं, जिसे हम सिस्टम्स, यूटिलिटी प्रोग्राम है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और परफॉर्मेंस है, इसकी तरह हमने क्या करा है, इसको कन्वर्ट किया है। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर्स के। तो ये है एमएस ऑफिस प्रोफेशन, लाइबर ऑफिस, है ना, ऑफिस 360, जीमो ऑफिस, जोमो ऑफिस, है ना, थिंकिंग फ्री ऑनलाइन सर्विस, ओपन ऑफिस, ये कुछ पार्ट्स हैं बच्चों किसके, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर्स के कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ये आते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स,
है ना। तो एग्जांपल्स में सबसे पहला है लैंग्वेज प्रोसेसर लाइक सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर में आपने देखा लैंग्वेज प्रोसेसर दिया था बच्चों। अब लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होती है, क्यों, क्योंकि ये अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत बिग टॉपिक है ना कि लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं। तो पहले तो हम इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं, उसके बाद हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे बच्चों। चलिए, पहला होता है कंपाइलर, ठीक, दूसरा होता है असेंबलर और तीसरा होता है इंटरप्रेटर। अच्छे से समझिएगा, इसको एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा। और दूसरी चीज़ कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर, है ना। तो कंपाइलर और असेंबलर, इंटरप्रेटर, इन तीनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। तो हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर, है ना। तो लैंग्वेज प्रोसेसर के जो टाइप्स हैं या जो एग्जांपल्स हैं उसको देखने के पहले हम इसकी कुछ डेफिनेशंस को देख लेते हैं। पहली डेफिनेशन है इसकी फॉर इंग्लिश मीडियम के लिए, अ लैंग्वेज प्रोसेसर इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन और यूज टू परफॉर्म टास्क सच एज अ प्रोसेसिंग प्रोग्राम कोड टू मशीन कोड। लैंग्वेज प्रोसेसर आर फाउंड इन लैंग्वेज सच एज अ फॉर्ट्रॉन और एंड कोबोल। इसी डेफिनेशन को इंग्लिश में हिंदी में देखते हैं। भाषा प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे प्रोसेसिंग प्रोग्राम कोड से लेकर मशीन कोड जैसे कार्यों को करने के लिए डिज़ाइन या उपयोग किया जाता है। भाषा प्रोसेसर फॉर्ट्रॉन और कोबोल जैसी भाषाओं में पाया जाता है। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है स्टूडेंट, इज नथिंग बट ये कैसा प्रोग्रामिंग कोड है जो किसी भी मशीन दूसरी लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है और मशीन लेवल लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, जिससे हमारा कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में एज वेल एज हम अपनी लैंग्वेज में उसे क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। इसमें बहुत सारी लैंग्वेज होती है जैसे फोर्ट्रॉन और कोबोल। यही नहीं स्टूडेंट, अभी भी जितनी भी लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं C++, जावा, ठीक है, PHP, HTML या जो आगे पढ़ेंगे वो सभी कंपाइलर और इंटरप्रेटर का ट्रांसलेट करने के लिए लैंग्वेज प्रोसेसर का यूज़ करते हैं बच्चों। क्लियर हुआ, समझ में आया है ना कि लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ प्रोसेसर, प्रोसेसर के कितने टाइप्स होते हैं। पहला अपन देखते हैं असेंबलर, दूसरा होता है कंपाइलर और तीसरा होता है इंटरप्रेटर। क्लियर, इसी को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम इसको एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट में इसको बताने के पहले देख लें कि लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर इन प्रोग्राम एंड इट्स टाइप। तो ये ट्रांसलेटर, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये इसके टाइप्स भी है। लैंग्वेज प्रोसेसर को हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज को ही क्या करता है बच्चों, ट्रांसलेट करता है ना। जो पहली का असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, तीनों काम एक ही करते हैं कि हमारी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, बट तीनों का करने का तरीका अलग अलग होता है, इट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट होता है। चलिए अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं बच्चों कंपाइलर, है ना। कंपाइलर होता क्या है, डेफिनेशन फॉर इंग्लिश मीडियम के लिए, अ कंपाइलर इज अ स्पेशल प्रोग्राम दैट प्रोसेस स्टेटमेंट रिटन इन अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टर्न्स देम इनटू मशीन लैंग्वेज और कोड दैट अ कंप्यूटर्स प्रोसेसर यूजेस। टाइपिकली अ प्रोग्रामर रिटर्न लैंग्वेज स्टेटमेंट इन अ लैंग्वेज सच एज अ पास्कल और सी वन लाइन एट अ टाइम यूजिंग अ एडिटर। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखते हैं हिंदी मीडियम के लिए। एक कंपाइलर एक विशेष कार्यक्रम है जो एक विशेष प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए बयानों को संसाधित करता है और उन्हें मशीन भाषा या कोड में बदलता है जो कंप्यूटर के प्रोसेसर का उपयोग करता है। आमतौर पर एक प्रोग्रामर एक संपादक का उपयोग करते हुए एक समय में पास्कल या सी एक पंक्ति जैसी भाषा में परिवर्तित करता है। कंपाइलर क्या है, इस नथिंग बट कंपाइलर क्या करता है, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को, है ना, अपनी लैंग्वेज प्रोग्राम में चेंज करता है, ठीक है ना। और इसमें एक चीज़ है कि ये एक बार में एट अ टाइम एक ही
एक लाइन को क्या कर सकता है, ट्रांसमिट कर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कंपाइलर के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स कि कंपाइलर क्या करता है? तो कंपाइलर इज़ नथिंग बट वो क्या करता है, एक लैंग्वेज को दूसरे मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की फैसिलिटी देता है। उसके साथ साथ ये क्या करता है, एक टाइम में एक लाइन को ट्रांसलेट करता है। जैसे आपने बहुत सारे कोड लिख रखे हैं बच्चों, लेकिन उस कोड में जो एक एक लाइन को ही ट्रांसफर करता है, इट मींस वो लाइन बाय लाइन क्या करता है, मशीन लैंग्वेज लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। और इसमें ये पास्कल और सी को ही ट्रांसमिट नहीं करता, ये और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो लेटेस्ट में चल रही है, उन सारी लैंग्वेज को भी बच्चों ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, जिसे हम कंपाइलर के नाम से जानते हैं। अब इसका हम एक ड्रॉ के साथ समझेंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उससे भी पहले बच्चों हम इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं कंपाइलर की। कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज टू द मशीन लेवल लैंग्वेज ऑफ अ कंप्यूटर। मतलब कंपाइलर एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है या फिर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। आप चाहें तो पहली वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, और अगर आपको ये डेफिनेशन अच्छी लगती है बच्चों तो ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। वाकई में ये डेफिनेशन छोटी है, पर पूरी चीज़ इसी डेफिनेशन में आती है। कंपाइलर सिर्फ और सिर्फ क्या काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है एट अ टाइम। मतलब एक टाइम में एक लाइन को ही क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। इसको हम एक ड्रॉ के साथ समझते हैं। देखिए ये C++ का एक ड्रॉ लिखा हुआ है, एक C++ का एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें कितनी सारी लाइंस दे रखी है। क्लियर हुआ बच्चों? अब कंपाइलर क्या करता है, ये जो सी लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज में होती है। काय में होती है, हाई लेवल लैंग्वेज। ये हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है ना, और बीच में क्या दे रखा है आपको, कंपाइलर। कंपाइलर इट मींस ये क्या है, एक ट्रांसलेटर है। क्या है स्टूडेंट्स, ट्रांसलेटर। इसने हाई लेवल लैंग्वेज किसके अंदर गई, कंपाइलर के अंदर गई। ये कंपाइलर क्या करेगा, इसको मशीन लेवल लैंग्वेज मतलब ये 0101 वाली लैंग्वेज में क्या कर देगा, इसे ट्रांसलेट कर देगा, है ना। तो समझ में आया बच्चों, एक ड्रॉ से क्लियर हुआ आपको कि कंपाइलर क्या करता है। तो कंपाइलर क्या करता है, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, पर एक लाइन को एक टाइम। मतलब ये एक लाइन है तो इसे पहले ट्रांसलेट करेगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरीके से ये लाइंस को क्या कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है। अब इसमें मैं एक चीज़ और समझा दूँ बच्चों कि ये सिर्फ सी या सी प्लस प्लस को ही ट्रांसमिट नहीं करता, इसके साथ साथ ये सारी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। जैसे जावा है, ओरेकल है, HTML है, PHP है ना, Android है, Apple है, जितनी भी लैंग्वेज अभी न्यूली डेवलप हुई है उन सारी लैंग्वेज को भी ये क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। कौन, कंपाइलर। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, असेंबलर। ठीक है, अब असेंबलर क्या करता है, तो इसकी पहले एक शॉर्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। पहली डेफिनेशन है, असेंबलर इज़ अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इंटू मशीन कोड। असेंबलर आर सिमिलर टू कंपाइल्स इन दैट दे प्रोड्यूस एग्जीक्यूटेबल कोड। हाउएवर असेंबलर आर मोर सिंपलिस्टिक सिंस दैट दे ओनली कन्वर्ट लो लेवल कोड असेंबली लैंग्वेज टू मशीन। इसे समझाने से पहले इसकी डेफिनेशन को हिंदी में देखते हैं। एक असेंबलर एक प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में परिवर्तित करता है। असेंबलर्स कंपाइलर के समान है जिसमें वे निष्पादन योग्य कोड का उत्पादन करते हैं। हालांकि कोडांतर अधिक सरल है क्योंकि वे केवल निम्न स्तरीय कोड असेंबली भाषा को मशीन कोड में परिवर्तित करता है। असेंबलर क्या है, तो असेंबलर इज़ अ प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्रामर है, ऐसा कन्वर्टर है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। कौन सी लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज को। अब बच्चों आप पूछोगे कि मैम असेंबली लैंग्वेज क्या है, तो बच्चों असेंबली लैंग्वेज भी कंप्यूटर की ही एक लैंग्वेज होती है, बट ये लैंग्वेज बहुत टफ लैंग्वेज होती है। आप तो इसके
टीचर्स भी नहीं मिलते हैं। इवन मैंने खुद भी असेंबली लैंग्वेज कभी नहीं पढ़ी है। क्यों? क्योंकि इसके टीचर्स ही नहीं मिलते हैं। और ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या हम बड़े बड़े आईआईटी की आईआईटी स्टैंडर्ड्स लेवल की बात करें तो वहाँ पे ही असेंबली लैंग्वेज सिखाई जाती है। नॉर्मल छोटे कॉलेजेस या कहीं पे भी असेंबली लैंग्वेज सिखाई नहीं जाती। बट असेंबली लैंग्वेज को ये असेंबलर क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। सिमिलरली ये कंपाइलर की तरह ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। पर अगर सिंपली बोले तो ये लो लेवल जो लैंग्वेज होती है उसे हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं, उसको ये मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। क्लियर हुआ? कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में करता है। ये क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन में ट्रांसलेट करता है। क्लियर? चलिए अब इसकी और एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। असेंबलर इज द लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। मतलब ये देखिए, जैसे असेंबली में कोई प्रोग्राम लिखा है इस लैंग्वेज में, ये असेंबलर क्या कर रहा है, उसे किसको को कन्वर्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट कोड मतलब मशीन लैंग्वेज में उसे क्या कर रहा है बच्चों, कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर? इसे एक और डेफिनेशन से समझते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम सोर्स कोड टू कन्वर्ट मशीन लेवल प्रोग्राम टू ऑब्जेक्ट कोड। क्लियर हुआ कि असेंबलर क्या करता है, असेंबली मतलब अपनी खुद की जो लैंग्वेज होती है उसे क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। आई होप सो कि ये जो दो ड्रॉ मैंने आपको दिखा के समझाए हैं, इससे आपको असेंबली लैंग्वेज इजीली अच्छे से क्लियर हो गई है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर क्या होता है ना, तो पहले हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए इंटरप्रेटर इज़ अ प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज। दे आर टू वे टू रन प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज। द मोस्ट कॉमन इज टू कंपाइल द प्रोग्राम, द अदर मेथड इज टू पास द प्रोग्राम थ्रू एन इंटरप्रेटर। इसी डेफिनेशन को बच्चों हिंदी में देखते हैं। हिंदी मीडियम के लिए इंटरप्रेटर एक ऐसा कार्यक्रम है जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए निर्देशों को निष्पादित करता है। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए कार्यक्रमों को चलाने के दो तरीके हैं। कार्यक्रम को संकलित करना सबसे आम, और दूसरी विधि एक दुभाषी के माध्यम से कार्यक्रम को परिवर्तित करना। अब इंटरप्रेटर भी क्या है बच्चों, तो इंटरप्रेटर भी इट्स अ ट्रांसलेटर, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो क्या करता है, हाई लेवल प्रोग्राम को क्या करता है, मशीन लेवल प्रोग्राम में ही ट्रांसलेट करता है। बट कंपाइलर एक बार में एक ही लाइन को ट्रांसलेट करता है, बट इंटरप्रेटर जो होता है वो पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही ट्रांसलेट कर देता है। ये दोनों के बीच में बिग डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बच्चों, कंपाइलर एक बार में एक लाइन को ट्रांसलेट करेगा, बट इंटरप्रेटर एक बार में पूरा जितना भी प्रोग्राम का कोड लिखा होता है उन सबको क्या कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। क्लियर हुआ बच्चों, ये समझ में आया आपको? चलिए बच्चों पहले की तरह ही इस इंटरप्रेटर को भी हम एक इमेज के साथ समझते हैं। देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज, इंटरप्रेटर और मशीन लेवल लैंग्वेज, जैसे दूसरी लैंग्वेज करती है वैसे ही हम भी इसे भी हाई लेवल लैंग्वेज को इंटरप्रेटर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। कौन सी लैंग्वेज में बच्चों, मशीन लेवल लैंग्वेज में, है ना। जैसे कंपाइलर काम करता है वैसे ही ये काम करता है, बट कंपाइलर एक बार में सिर्फ एक ही लाइन को ट्रांसलेट करेगा। क्लियर? बट जो इंटरप्रेटर होता है वो पूरे प्रोग्राम को ही एक बार में ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया ये अच्छे से? ठीक है, चलिए अब हम इसकी एक इमेज देख रहे हैं जिसमें आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो जाएगी, प्लस क्लियर होने के साथ साथ आपको इसके डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। अब इसमें हम सबसे पहले बीच वाला लेते हैं जिसे हम कंपाइलर कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को ये कंपाइलर ट्रांसलेट करता है लो लेवल लैंग्वेज मतलब कि मशीन लेवल लैंग्वेज में, लेकिन ये एक बार में सिर्फ एक ही लाइन को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। इट मीन्स कोई भी एक प्रोग्राम में एक ही लाइन को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। दूसरा लेते हैं हम क्या, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को, असेंबली लैंग्वेज हुआ, बाइनरी मतलब 0101 मशीन लैंग्वेज हुआ, या लो लेवल लैंग्वेज हुआ, इन तीनों में भी ट्रांसलेट करता है, लेकिन ये पूरे प्रोग्राम को क्या करता है बच्चों, एक ही बार में ट्रांसलेट
कर देता है। अब असेंबलर की बात करें तो ये भी कंप्यूटर के जितने भी इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम होते हैं उन सारे प्रोग्राम्स को बाइनरी लैंग्वेज मतलब कि 0101 में ट्रांसलेट कर देता है। क्लियर हुआ बच्चों? तो यहाँ से आपको इजीली समझ में आ गया है कि जो आपका ये असेंबलर है ये असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, कंपाइलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन को कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में ट्रांसलेट करता है, बट एक बार में एक लाइन ट्रांसलेट करता है। बट इंटरप्रेटर क्या करता है बच्चों, एक बार में ही पूरे प्रोग्राम को क्या कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। क्लियर हुआ, समझ में आया? इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर। चलिए, आई होप सो बच्चों कि आपको ये लेक्चर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का सेकेंड पार्ट वाला लेक्चर था वो ईजीली समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर्स में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि आपके सॉफ्टवेयर का सेकेंड टाइप से उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।